दोस्तों आईपीएल 2019 के मैच नंबर 10 की इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं, देखने वाले हैं पांच फैक्टर, प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स की, हेड टू हेड मैचेस में किस टीम का पलड़ा भारी है, मोमेंटम किस टीम के पास है, की प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं और प्लेयर बैटल क्या है। और इन सभी स्टैट्स को देखने के बाद अंत में हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं कि दोनों ही टीम्स की क्या प्लेइंग 11 रह सकती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की। तो केकेआर की प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं सुनील नारायण, क्रिस लिन, नीतीश राणा, रॉबिन उथप्पा, दिनेश कार्तिक, सुमन गिल, आंद्रे रसल, पीयूष चावला, लॉकी फर्गुसन, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। तो इस प्रकार से कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो वहीं दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की, तो दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 से देखा जाए तो पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, कॉलिन इनग्रम, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कीमो पॉल, अक्षर पटेल, राहुल तेवातिया, अमित मिश्रा, कगिसो रबाडा और ईशांत शर्मा। तो इस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 रहने वाली है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड मैचेस की, तो हेड टू हेड मैचेस में साफ तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है। वो इसलिए क्योंकि टोटल मैचेस दोनों ही टीम्स के बीच में अब तक 23 हो चुके हैं, जिनमें से 13 मैचेस कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीते हैं, 9 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं और एक मैच में इनका नो रिजल्ट रहा है, यानी रिजल्ट नहीं आए हैं। तो साफ तौर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहां पर पीछे दिखाई दे रही है हेड टू हेड मैचेस में। तो वहीं बात की जाए पिच रिपोर्ट की, मैच खेला जाना है दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड फिरोजशाह कोटला मैदान में, जहां का ग्राउंड काफी छोटा है और यहां पर हाई स्कोर मैचेस होते हैं। और यहां पर एक बड़ा फैक्टर काम करता है जो है ड्यू फैक्टर का। ड्यू फैक्टर के चलते सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना यहां पर इजी होता है और सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम यहां पर 70% के साथ मैचेस जीतती है। तो कहीं ना कहीं जो भी टीम यहां पर टॉस जीतने वाली है वो यहां से पहले बॉलिंग करने का फैसला करने वाली है, क्योंकि बैटिंग करना यहां पर इजी हो जाता है। तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स के की प्लेयर्स कौन से रहने वाले हैं, जिन्हें आप ड्रीम 11 की टीम में ट्राई कर सकते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्लेयर आंद्रे रसल, इनके बाद सुनील नारायण, क्रिस लिन और नीतीश राणा, ये चार बड़े प्लेयर्स यहां से की प्लेयर्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ रॉबिन उथप्पा भी फॉर्म में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स के की प्लेयर्स की, तो जो रहने वाले हैं ऋषभ पंत, इनके बाद अगर देखा जाए तो शिखर धवन, कॉलिन इनग्रम और कगिसो रबाडा, ये चार की प्लेयर्स यहाँ से रहने वाले हैं, जिन्हें आप ड्रीम 11 की टीम में ट्राई कर सकते हैं। तो वहीं अब अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स के बीच में प्लेयर बैटल क्या हो सकती है, तो प्लेयर बैटल को अगर देखा जाए तो पहली प्लेयर बैटल को देखते हैं, वो रहने वाली है ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की। आपको बता दें लास्ट ईयर भी कुलदीप यादव ने अच्छा खासा परेशान करके रखा था और कुलदीप यादव के सामने ऋषभ पंत का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो ये एक अच्छी प्लेयर बैटल देखने को मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी प्लेयर बैटल की बात करते हैं, वो रहने वाली है क्रिस लिन और अमित मिश्रा की। क्रिस लिन अमित मिश्रा के खिलाफ काफ़ी फंसते हुए दिखाई दिए हैं और हमेशा ही आउट होते हुए दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की, तो अगर आपको ड्रीम 11 की टीम चाहिए है तो आप फटाफट डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ड्रीम 11 की टीम आपको वहां से मिल जाएगी, 5 स्मॉल लीग की टीम, 5 यहां से ग्रैंड लीग की टीम आपको मिल जाएंगी। तो वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं ओवरऑल प्रेडिक्शन की, तो हेड टू हेड मैचेस को देखते हुए, पिच रिपोर्ट को देखते हुए, मैं तो यही कहता हूं कि मेरी यहां पे फेवरेट कोलकाता नाइट राइडर्स रहने वाली है और वो टीम इस मैच को जीतने वाली है। तो वहीं दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और आईपीएल से रिलेटेड कुछ और प्लेइंग 11 वीडियोस, प्रेडिक्शन वीडियोस और ड्रीम 11 की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पहले 1000 लोगों को वहां पर ₹50 का पेटीएम कैश दिया जाएगा। धन्यवाद।